कि पानी की व्यवस्था बराबर नहीं हो पा रही है। आधे नलों में किसी एक गली में पानी आ रहा है, बाकी पूरे कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं। और टैंकर वाले को भी बुलाते हैं तो टैंकर वाले समस्या ये है सर, हम एक साल से कम परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। लाइनें डाल रखी है मगर पानी आता नहीं है। और पूरे मोहल्ले में हमारा कम से कम 2-3 हज़ार आदमी की बस्ती है, जिसमें अभी तक बिल्कुल पानी की व्यवस्था बराबर नहीं हो पा रही है। आधे नलों में किसी एक गली में पानी आ रहा है, बाकी पूरे कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं। और टैंकर वाले को भी बुलाते हैं तो टैंकर वाला आज फोन करो 3 दिन बाद टैंकर आता है। हेडपम्प की व्यवस्था भी कराओ हमारे, ठीक है ना। और हम 5वीं बार अभी आए हैं पानी के लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब के पास में हम 4 बार जा चुके हैं और 5वीं बार हम इधर आए हैं सर के पास। अभी देखो ये कि हमारी सुनाई नहीं करते। आपका नाम? मेरा नाम संजू देवी है। पूनम विहार से आया सर। हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है सर, पानी आ नहीं रहा है। 1 साल पहले आए थे तब हमारे लाइनें डली थी, उन लाइनों में पानी नहीं आ पा रहा है। एक गली में आता है, उसमें 4 घर पानी पीते हैं तो कैसे भरेंगे सर। पानी भरने वाला है, पहले उसके भरेगा फिर हमारे भरेगा। 2 घड़े भी नहीं भर पाते हम लोग। टैंकर भी नहीं है ना, पास में कहीं हेडपम्प है। एक हेडपम्प है उसमें भी, वो भी खराब पड़ा है। या तो हमारा हेडपम्प भी लगवा दो, कभी अगर टैंकर ना आए तो हम उससे पानी यूज कर सके। इतनी गर्मी के अंदर हस्बैंड पानी लेने जाएंगे तो काम कौन करेगा सर, क्या होगा हमारे बच्चों का। पानी की व्यवस्था करवाइए सर, बहुत टेंशन में है हम लोग अभी। आपका नाम? मेरा नाम माया देवी।